देखो, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दो टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कंस्ट्रक्शन आ सकती है, लॉजिक गेट के गेट्स आ सकते हैं, ट्रुथ टेबल आ सकता है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, जिसमें आपको ना एक सिग्नल गिवन होगा। जैसे ये आपको एक सिग्नल गिवन है, ये रहा, ठीक है, ये आपको एक ए सिग्नल गिवन है। आपको एक और सिग्नल गिवन होगा कुछ ऐसे, जैसे कि मान लो ये सिग्नल गिवन है ऐसे, ये देखो ऐसे, ये रहा, ये दूसरा सिग्नल है। मान लो ये आपका सिग्नल जो है ये ए सिग्नल है, ये आपका बी सिग्नल है। आपको ये गिवन होगा, कोई गेट देगा, नैंड नॉर कुछ भी देगा, नैंड गेट है, मान लो नैंड गेट का ये फॉर्मूला है। नैंड गेट के अंदर इन दोनों सिग्नल को पास किया जाए और आउटपुट आपको सिग्नल की फॉर्म में लिख के दी जाए, ऐसा ही सिग्नल आउटपुट की फॉर्म में हो। कैसे? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको देखते ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल की वाली, इनको ना नीचे स्केल से नीचे ले जाना है। तो जैसे ये पहली वर्टिकल लाइन है, ये आपकी दूसरी वर्टिकल लाइन है दो, जैसे ये आपकी तीसरी वर्टिकल लाइन है तीन, ये आपकी चौथी वर्टिकल लाइन है गिरी येरी, ये आपकी नेक्स्ट वर्टिकल लाइन है येरी, ये आपकी उससे नेक्स्ट वर्टिकल लाइन है येरी, और ये ला, ये तो बहुत बड़ी बड़ा डायग्राम बना दिया, वैसे बहुत छोटा आता है। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, इनके ऊपर नंबरिंग करनी है। ये वन है, जैसे ये आपने लिखना है ये वन है, आपने लिखना है ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, ये वन है और ये जीरो है, फिर ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है और ये वन है। तो फिर आपने साइड पे लिखने, साइड पे लिख लें ए और बी। ए की इनपुट वैल्यूज क्या है, वन है, जीरो जीरो जीरो, फिर वन वन और जीरो। बी की वैल्यूज क्या है, जीरो एंड जीरो, फिर वन है, फिर जीरो और जीरो है, और फिर वन और वन है। फिर क्योंकि कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी का बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जीरो जीरो का बार क्या है वन, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, जीरो को जीरो का बार क्या है वन, वन 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 जीरो और वन। तो नैंड गेट का लगा दिया फॉर्मूला। अब आपने ये आंसर नहीं देना, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए है, बुकलेट में नहीं है ये। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर इसको प्लॉट करना है। अब आपको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट ऐसे करना है, वन 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 वन, ओके, ये देखो ए इंटू बी का बार, ये देखो ये वन ये वन ये वन, वन 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 वन, फिर जीरो और वन, फिर जीरो और फिर वन। आपको आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में ऐसे दिखेगा, बस वो आपको ये दो देगा, गेट का नाम देगा और ये देगा। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, मन में कैलकुलेट करें। नैंड गेट क्या करता है, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार इज वन, तो वन। मन में कैलकुलेट करें, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, जीरो का बार इज वन, तो ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जिनमें नोट करने का तो टाइम नहीं है, फोटो लेनी है फोटो ले लो, या मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसको, घर पे देख लेना, बुकलेट में है। मैं ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? ठीक है, तो इसे आप जस्ट नोट कर लेना और इसे आप एक बार ट्राई करना, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा आपको ये। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाया, इस क्वेश्चन के बाद ये आता है पेपर में। इस क्वेश्चन के बाद जैसे आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें ना एक्सप्रेशन लिखने को आएगा, ये आपको डायग्राम दे देगा, कहेगा फॉर्मूला लिख के दिखाओ, एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। जैसे कि ये ए है ये बी है, तो नैंड गेट क्या करेगा, ए इंटू बी का बार, ये ए है ये बी है, तो ए यहाँ पे इनपुट कर रहा है ए, और यहाँ पे इनपुट क्या है, ए इंटू बी का बार। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इंटू बी का बार, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी। ये नैंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, नैंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा, और ये नैंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर बार लगाएगा। फिर होल बार को ब्रेक करेंगे इसको और इसको, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। बार और बार कैंसिल, तो ये आंसर आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें बहुत सारे गेट्स हैं और आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन जो है वो आपको इसमें करेक्ट मार्क करना है। ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइप की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा आती है, इवन मेरे को लगता है तो एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का गेट से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रॉब्लम का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग लेना देना है। तो इसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट है, तो एनसीईआरटी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस यही बताना है कि फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है, डायोड है।
तो आपने क्या करना है, ये एन है, ये पी है, आपने लिखना है एन और पी। एन इज कनेक्टेड विद प्लस 5 वोल्ट, यहां लिख लो। पी इज कनेक्टेड विद प्लस 7 वोल्ट, ये लिख लो, लिख लिया इसके नीचे। फिर आपने क्या करना होता है, एक वैल्यू को जीरो बनाना होता है। जीरो इसलिए बनाना होता है क्योंकि एन और पी है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि एक बैटरी लगी हो यहां पे, तो नेगेटिव टर्मिनल का मतलब 0 वोल्ट होता है और पॉजिटिव का मतलब कुछ वोल्ट की वैल्यू होती है। तो जीरो बनाने का ये कॉन्सेप्ट होता है, जीरो का मतलब नेगेटिव टर्मिनल। चलो जीरो का मतलब ग्राउंड होता है, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, वैसे बता दूं मैं आपको। पर आप इसे जीरो करें, जीरो करने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, इसको जीरो कर दें, इसको प्लस 2 कर दें। आप ये बोल सकते हो कि पी के पास प्लस 7 और प्लस 5 है एन के पास, तो इसके पास 2 वोल्ट ज्यादा है, तो या तो 7 और 5 लिखें या 2 और 0 लिखें, तो भी इनका डिफरेंस 2 ही वोल्ट आने वाला है। जीरो का मतलब तो कोई भी टर्मिनल एक्ट कर सकता है, 0 वोल्ट का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एन विद पॉजिटिव एन विद नेगेटिव कैसे बोल सकते हो। लेकिन असली चीज ये है, पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, जीरो वाली टर्म को नहीं देखना, दूसरे को देखो, पी पॉजिटिव के साथ है तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है, बातें खत्म। आपको एन या पी में से एक टर्म को तो जीरो बनाना पड़ेगा, तो बड़े में से छोटे को क्या कर देना है, माइनस, अपने आप जीरो बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, फिर से देखो एक बार, 4 क्वेश्चन है ऐसे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये पी है और ये एन है, पी और एन, एन के साथ क्या कनेक्टेड है, प्लस 2 वोल्ट है, पी के साथ क्या कनेक्टेड है, ग्राउंड, ग्राउंड कितने वोल्ट पे होता है ऑलरेडी, जीरो, छोड़ दें इसको तो देखना ही नहीं हमने। एन किसके साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स, क्लियर है यहां तक, ये रिवर्स बायसिंग है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड बायसिंग। अब क्या करना है, ये आपके पास एन है, ये आपके पास पी है, ये एन है और ये पी है, एन इज कनेक्टेड विद -12 वोल्ट, पी इज कनेक्टेड विद -5 वोल्ट, तो एन के पास -7 ज्यादा है पी से, ठीक, तो पी को देखना नहीं है, जीरो बन गया। एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है, तो फॉरवर्ड लिख देंगे इसमें। अब फिर देखते हैं एक बार, जैसे सपोज ये रहा, इसके अंदर पी इज कनेक्टेड विद, पी के साथ -10 है और एन के साथ क्या है, इसमें 0 वोल्ट, इसको देखना नहीं, 0 ऑलरेडी है, पी इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, तो कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एक टर्म को आपको 0 बना के दूसरे को साइन देखना है कि पी विद पॉजिटिव है, पी विद नेगेटिव है, वहां से आंसर आएगा। तो एक नंबर में, नीट में तो बहुत बार आया हुआ है, पुराने पेपर में, मेन में भी बहुत बार आया हुआ है, एक बार एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है, कॉम्पिटिशन में आने के चांस बहुत ज्यादा है इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें, ये करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे आता नहीं है, 2 की जगह 3 इनपुट्स हैं और एंड गेट है, जब 3 इनपुट्स हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, दो बार लिख लिया पैटर्न, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1, सारे इनपुट्स आ गई, 8 इनपुट्स आने चाहिए, ABC में अगर 0 और 1 का ऑप्शन दिया जाए, कुल मिला के 8 इनपुट्स बनेंगी। अब या तो तुक्के से लिखो 0 0 1, हाँ हो गया, 1 0 0, हाँ ये भी हो गया, 1 0 0 1, क्या जरूरत है, पैटर्न याद करो, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, तो ये क्या है, एंड गेट है, A into B into C, मल्टीप्लाई करेंगे, एक भी अगर 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 0, बस यहां पे 1 आएगा, बाकी हर जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस बता रहा हूं कि अगर 3 इनपुट्स आए तो आपने कैसे हैंडल करना है, तो क्लियर है यहां तक। तो वैसे तो मुश्किल आनी 3 इनपुट, 2 इनपुट पे क्वेश्चन आता है, पर फिर भी मैंने लिख दिया कि इसमें 3 में कैसे काम करना है। तो ऐसे ही नेक्स्ट, जैसे ये रहा, इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना है फाइनल क्या होगा, ये ए है तो ये भी ए है, बीच में नॉट लग गया तो ये ए बार है, क्योंकि ये गेट एंड गेट है, फाइनल आंसर क्या आएगा, A into A का 12 आंसर है, आंसर है इसका, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट, ये 3 इनपुट्स हो गई, कुछ नहीं करना आपने इसमें, टाइमिंग डायग्राम हमने कर लिया, डन, क्लोज द लॉजिक गेट्स।